दिल्ली में यमुना नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिस कारण यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए पूर्व दिल्ली स्थित अक्षरधाम रेनिवेल के राहत कैंप में पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पूर्वी दिल्ली में सरकार की तरफ से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे और सौरभ भारद्वाज ने वहां पहुंचकर कहा है कि सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के निचले इलाकों में प्रभावित लोगों के लिए खाने और राहत के साथ हर इंतजाम कर रखे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 से 2500 टेंट लगाए गए हैं। लगभग 40,000 लोगों को यमुना के निचले इलाके से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है और टेंट लगाए गए हैं, साथ ही खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं भारद्वाज ने खुद खाने की गुणवत्ता में कोई भी कमी तो नहीं है इसकी जानकारी दी। जब भारद्वाज से पूछा गया कि अधिकतर जगहों पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कुछ लोग बस टेंट को ही अपना आशियाना बना रहे हैं, जिसके जवाब में मंत्री भारद्वाज ने कहा है कि लोग सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं और अगर कहीं ऐसी सुविधा नहीं पहुंचती तो वहां जल्द ही सरकार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस तरीके के करीब 2-2500 कैंप्स टेंट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और करीब 40,000 लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप से भेजा जा रहा है। जो जो लोग यमुना के तट पे रहते हैं, यमुना खतरे के निशान से ऊपर है, तो सरकार ने इनके लिए इंतज़ाम किए हैं। रहने खाने का इंतज़ाम सरकार की द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कई लोग क्या है कि सरकार के टेंट्स में रहना नहीं पसंद करते अपने अपने कारणों से, तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ सरकार ने टेंट लगाए वहीं पर आके रहें तो हो जाएगा, वहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कल रात से ही जो है ये इंतज़ाम शुरू हुए हैं, आज शाम होते होते सब जगह टेंट्स लग जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।